गुड मॉर्निंग, मैं संतोष यादव आपका भाई। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। आपका भाई अच्छा है तो आप लोग भी अच्छे होंगे। आज कुछ बातें ऐसी होगी जो हमारे बीते हुए काल और सिलसिले के बारे में, जो एक बार की बात है। हम लोग काफ़ी उम्र नहीं होगी, लगभग वही क्या हम लोग 7-8 पढ़ रहे थे, वही तक की बात है। एक बार की बात है, हम लोग ऐसे हमारे गांव में बेलवा बगीचा है, बेलवा बाबा का बगीचा है, वहाँ पे हम पहले बहुत दौड़े हैं। उन्होंने भर्ती भी बहुत देखा मगर नसीब में नहीं थी, नहीं मिली। कोई बात नहीं, जैसे भी है वैसे भी हम फिर भी ठीक है, खुशहाल है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो बातों को वहाँ ले चलते हैं जहाँ से शुरुआत हुई थी। तो बेलवा बगीचा है, उसमें हम लोग पहले वो जो पाँव में जो चप्पल नहीं पहनते हैं उसमें हम लोग उस पर कटिंग करते थे, चाकू या छुरी से कटिंग करके उसको डिजाइन बना के उसे हम लोग पहले चप्पल की गाड़ी बनाते थे। गाड़ी बनाना और हैंडल लगाना, और गाड़ी में हैंडल लगाना और गाड़ी में सब लाइटिंग वाइटिंग लगाना, हम लोग का बचपना था। हम लोग को अच्छा लग रहा था, इसी में हम लोग का टाइम पास हो रहा था। ट्रैक्टर बना देते थे, टाली लगा देते थे, उसमें बालू लोड करते थे, उसमें जैसे वो आजू बाजू में जो फरते थे वो जिसे बोलते हैं गुल्लर हुआ और महुए का कोई ना टाइप आता है ना बिया, उसको हम लोग लोड करते थे। लोड करके हम लोग मात्र 50 मीटर की दूरी पर डन करते थे, ड्रिंग ड्रिंग गाड़ी ऐसे चलाते थे जैसे लग रहा था कि हम लोग बहुत बड़ी ट्रैक्टर या ट्रक चला रहे हों। पहले की जिंदगी थी, पहले का बचपना था, कितना अच्छा था। अब तो अब देखो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, सब लोग कहाँ से कहाँ। हमारे मित्र जो थे, कोई बॉम्बे है तो कोई पूना है तो कोई गांव है, कोई कहाँ है कहाँ है, सब लोग बिजी है। बहुत बचपना है बीता हुआ है। जो सोचा जाए, अगर पीछे की तरफ मुड़ के देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। पहले की ज़िंदगी क्या थी, अब की ज़िंदगी क्या है। अब तो मेरा बेटा विराट, मेरे दो बेटे हैं, आप लोगों को बता रहा, मेरे दो बेटे हैं और विराट बड़े वाले हैं और सेकंड में मेरा छोटा शिवा है। जो समझो मैं पहले हरकत करता था खिलौने उलौने, तो अब मेरे बच्चे कर रहे हैं तो करेंगे ही, उनकी उम्र और टाइम ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। एक बार की बात है, मैं चला था यहाँ बौरा स्कूल से और भुजाड़ी के नज़दीक, भुजाड़ी गांव मेरा है, वहाँ से नज़दीक में मात्र 1 किलोमीटर का रेंज है। हम जा रहे थे, अचानक रास्ते में मतलब साइकिल वगैरह नहीं थी, पहले साइकिल गाड़ी तो थी ही नहीं, साइकिल ही थी। और उस समय दिवाली का मौसम था और थोड़ा मैं बचपना में बहुत थोड़ा मैं हरकत करता था, जो मैं गाड़ी पा जाता था तो बाइक पा जाता था, मैं थोड़ा यहाँ से वहाँ चला जाता था। पर बचपना थी, ज़िम्मेदारी नहीं थी, अब तो भाई बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन गई है। इसी पे हम बात को विराम रखते हैं, कल होगी और इसके बारे में बात। मैं आपका भाई संतोष यादव, आप हमारे चैनल पे इतना सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपका भाई तरक्की करें, आपको भी तरक्की की ओर ले चले।
जय श्री राम, हर महादेव।